नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित पांडे। एक इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक इन्फो इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है, यहां पर लैपटॉप, मोबाइल और एलईडी टीवी की चिप लेवल रिपेयरिंग आपको बताई जाती है। अगर आप इच्छुक हो, करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा आपके सगे संबंधी है जो कि करना चाहता है, तो नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आओ दोस्तों, आज हम आपके आपके पास एक चीज़ के बारे में, मतलब एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, दैट कि अगर हमें कोई भी आईसी अगर रिमूव करनी होती है बोर्ड से हमारे, ठीक है, तो उसे कैसे रिमूव किया जाता है। जैसे कि हमारे सामने ये पीएफओ आईसी है, ठीक है, अभी ये पीएफओ आईसी को हम कैसे निकालते हैं और लगाते समय क्या क्या चीज़ की सावधानियाँ रखते हैं, निकालते समय भी क्या चीज़ें देखी जाती हैं, कैसे उसे बोर्ड पर फिक्स किया जाता है, ये सब चीज़ें आज मैं बताऊँगा आपको। तो देखो दोस्तों, कोई भी आईसी अगर आप निकालते हो, ठीक है, चाहे वो CPU ICU हो, पावर ICU हो, या एप्लीकेशन प्रोसेसर ICU, फ्लैश ICU, ग्राफिक्स ICU, कोई भी अगर ICU आप निकालते, इवन हमारा PFO ICU भी क्यों ना हो, तो वो PFO ICU पे क्या होता है, एक डॉट बनी होती है, ठीक है। अभी यहाँ वाली ICU पे भी मैं आपको वो डॉट दिखाता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ये डॉट एक बनी हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि ये डॉट क्या करती है, कि ये इंडिकेट करती है कि हमारा ICU कैसे बोर्ड पे लगा हुआ है। ये डॉट का जो ध्यान हमें हर एक आईसी पे देना होता है, हर एक आईसी पे ऐसी एक डॉट जो है वाइट कलर की बनी होती है, उस डॉट के हिसाब से ही हम किसी भी बोर्ड से आईसी को निकालते हैं और आईसी को लगाने का काम करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो बोर्ड पे आईसी लगी हुई है, इस डॉट के हिसाब से इसको निकालेंगे। अभी क्या है कि ये जो डॉट है, इस डॉट के ठीक सामने हमारा ये इधर ये एंटीना पैड, एक जो RF केबल लगी हुई है, ठीक है, उसका एक पैड है। तो जब भी हम दूसरी बार इस आईसी को लगाने जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसके बाद इस आईसी को फिक्स करेंगे, ठीक। तो आईसी को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें पेस्ट लगाना होता है आईसी पे, सॉरी आईसी को निकालने के लिए पेस्ट लगाना होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी कनेक्टर आप निकालते हैं तो उसके पहले वहाँ पर पेस्ट लगाया था, उसी तरीके से आईसी को भी निकालने के लिए सबसे पहले वहाँ पर पेस्ट लगाते हैं। पेस्ट लगाइए, फिर ब्लोअर मशीन पे हीट को रखिए आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एयर को रखिए 3 पे। ये मेथड होता है जिस मेथड से आप किसी भी आईसी को निकाल सकते हो। ऊपर की तरफ से आप आराम से आईसी को रिमूव कर सकते हो। पहले इसके चारों कोनों पे अच्छे तरीके से हीट दीजिए। ये ध्यान रखना होता है कि अगल बगल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब ना हो, और बोर्ड से इस ब्लोअर का नजल जो होता है वो 1 इंच की दूरी पे होना चाहिए मिनिमम। ये जो चिप लेवल की रिपेयरिंग आपको बताई जा रही है एक इन्फो चैनल के माध्यम से, एक इन्फो जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है जो कि पटना में है, यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप और LED TV की चिप लेवल की रिपेयरिंग आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो दोस्तों, मैंने हीट दिया और ये इजीली हमारा आईसी बोर्ड से निकल गया, ठीक है। अभी क्या है कि हमें बोर्ड पे इसको दोबारा फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो ये पैड होता है उसको आयरन से पूरी तरीके से अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। तो अभी क्या है, हमने इसको अच्छे तरीके से साफ कर देना है। साफ कर दिया हमने इसको, ठीक। साफ करने के बाद फिर इसको उठाना है। अब उसी डॉट का ध्यान रखना है हमें जो डॉट हमने निकालते समय ध्यान में रखा हुआ था, ठीक है, यही वाइट डॉट है हमारी यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स करेंगे। फिक्स हो गया। अभी क्या करते हैं, ब्लोअर मशीन पे आते हैं। तो जब हमें कोई भी आईसी को फिक्स करना होता है तो उस समय ब्लोअर मशीन की हीट को हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, यानी एक पे कर देते हैं, और हीट को, एयर को जीरो पे कर देते हैं, और जो इसकी हीट होती है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने देते हैं। फिर ऊपर से इस पर ब्लो करते हैं। ब्लो करना स्टार्ट कर दिया हमने, चारों इसके कोनों पे ब्लो कर दिया आसानी से।
बस ये फिक्स हो चुका है, अभी क्या कर लेते हैं थोड़ा सा इस पर एयर दे देते हैं धीरे धीरे बढ़ा करके। बस ये हो चुका है हमारा आईसी फिक्स अब पूर्णतया पूरी तरीके से। तो इस तरीके से किसी भी आईसी को आप बोर्ड से असेंबल कर सकते हैं और दोबारा उसको डिसेंबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आईसी कभी भी असेंबल डिसेंबल करना हो तो ये सिंपल मेथड के थ्रू आप आईसी को आसानी से असेंबल डिसेंबल कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो भी, या फिर आगे आने वाले जो भी आप चाहते हो, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है जिस वीडियो जिस प्रॉब्लम से, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करेंगे। अगर अब तक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन होता है, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी न्यू अपडेटेड वीडियो आपको मिल सके। एके इन्फो चैनल के थ्रू मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, एके इन्फो इंस्टीट्यूट, जहाँ पे कि चिप लेवल की रिपेयरिंग सिखाई जाती है लैपटॉप, एलईडी और मोबाइल में। धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक